कोटा में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों को शीतल पेय की आवश्यकता महसूस होने लगी है और गर्मी मिटाने के लिए लोग शीतल पेय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही कोटा के हृदय स्थल रामपुरा बाजार में बहुत ही बरसों पुरानी दुकान है शंभू दूध वाले की। शंभू दूध वाले की लस्सी बहुत फेमस है और यहाँ पर लस्सी पीने के लिए लोग कई जगह से बाहर से भी आते हैं और यहाँ की लस्सी का स्वाद ऐसा है कि लोग यहाँ पर खींचे आते हैं। हमारे साथ शायद मुंबई से आए हुए कुछ लोग मौजूद हैं जो लस्सी पीने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ किसी के यहाँ मेहमान आए थे लेकिन उनको लस्सी पिलाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। और कहाँ से आए हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं। कैसी यहाँ की लस्सी आपको कैसी लगी? बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। मतलब क्या इसमें कुछ आपको डिफरेंट लगा, क्या खास लगा? यहाँ की फेमस है और सब लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि ट्राई करते हैं। आपने यहाँ की लस्सी पी, आपको क्या कुछ अलग लगा? बहुत मलाईदार लस्सी है और गर्मी में बहुत आनंद आता है इसको पी के और शीतलता मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय लस्सी पीना ज़्यादा अच्छा है। भैया आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। और यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या स्वाद लगा आपको? घूमने आए हैं 2 दिन और अभी जो लस्सी पी है वो बहुत ही बढ़िया थी। मतलब कि मिठास वगैरह सब कुछ परफेक्ट था एकदम उसमें, तो वैसी बॉम्बे में मिलती नहीं है, बहुत कम ही मिलती है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ कोटा में ही रहते हैं, स्टेशन पे रहते हैं। हम यहाँ पर स्पेशली शंभू की यहाँ जलेबी और दूध जलेबी और लस्सी पीने आए हैं। ये फेमस कोटा की बहुत फेमस और पुरानी दुकान है जो कि रामपुरा बाज़ार में है। रामपुरा बाज़ार जो कि पहले सिमटता जा रहा था, अब वापस से यहाँ पर रौनक होने लगी है और स्पेशली शंभू की वजह से यहाँ पर दूध जलेबी खाने आते हैं। संडे को लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। लस्सी इसकी बहुत स्पेशलिटी है क्योंकि हाथ से बनाते हैं, तो एक लस्सी का बहुत अच्छा वो है, गर्मी में बहुत अच्छा रहता है लस्सी पीना, तो इसलिए सबको अच्छा लगता है। ये जो यहाँ पर ये लोग जो थे वो कोई कोटा से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर लस्सी पीने आते हैं और लस्सी जो ये हाथ से बनाई जाती है बिल्कुल देसी स्टाइल में, इसका स्वाद ही निराला होता है। और ये लस्सी पर यहाँ पर संडे को तो विशेषकर बहुत भीड़ उमड़ती है और हम अब आपको जो लस्सी बना रहे हैं शंभू जी उनके पास लेके चलते हैं कि वो अपनी लस्सी के बारे में बताएंगे आपको कि लस्सी किस प्रकार से बनाते हैं। गर्मी में भी सर्दी का एहसास, यह करामात है कोटा में रामपुरा स्थित शंभू जी लस्सी वालों की। शंभू जी लस्सी वालों की लस्सी बहुत फेमस है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर लस्सी पीने आते हैं। और इनकी लस्सी में क्या खासियत है जानते हैं हम शंभू जी की दुकान पर ही और उनसे बताते हैं कि इस लस्सी का क्या खासियत रही है और किस तरह से आप ये लस्सी बनाते हैं, कितनी पुरानी आपकी दुकान है? 60 वर्षों बहुत पुरानी दुकान है, 60 दशक हुए, 70 साल बताएं। और आप लोगों का प्रेम और विश्वास ये खींच लेता है। आपकी लस्सी में मतलब क्या खासियत है, क्या विशेष होता है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, बताएं आप। एक दूध की शुद्धता, प्योर दूध रहता है उसकी, उसका जो बनाया जाता है एकदम प्योर क्वालिटी का दूध, बढ़िया वाला दूध, क्रीम वाला दूध, उससे दही जमाया जाता है। किस प्रकार से बनाते हैं, क्या विधि है आपकी लस्सी बनाने? लस्सी क्या, ये सादा लस्सी है, दूध मतलब दही शक्कर और बस कुछ भी नहीं, मतलब और हाथ से कैसे बनाते हैं? मतलब हाथ से बनाते हैं वो, दही शक्कर ओनली बस। कौन कौन लोग यहाँ पर लस्सी पीने आते हैं और किस तरह से, आपकी बहुत छोटी सी दुकान है, किस तरह से यहाँ खड़े रहकर भी, बाहर खड़े रहकर भी लोग लस्सी पीते हैं? सारे कोटा के सेलिब्रिटीज आती हैं यहाँ पे, दूर दूर से जो कोचिंग के संस्थापक आते हैं यहाँ पे, वो उनको यहीं पे कहते हैं कि यहाँ पे जाना और अपने आज तक से भी कई और धारीवाल साहब, रामकृष्ण जी, रोमा साहब, दाऊदयाल जी, अशोक गुलत साहब के यहाँ से अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, कोटा के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सब यहाँ पे लाभ उठाते हैं। और खेलने वाले, गार्डन वाले, योग वाले, सारी टीमें यहाँ आती है, साइकिलिंग वाली। कई सेलिब्रिटीज व नामी गिरामी हस्तियाँ भी शंभू लस्सी वाले के यहाँ लस्सी पी चुकी हैं
और यहाँ पर आज तक के कई मशहूर एंकर भी लस्सी पी चुके हैं और यहाँ की लस्सी बहुत लाजवाब है, यहाँ का टेस्ट बहुत लाजवाब है और यहाँ की लस्सी पीने लोग दूर दूर से आते हैं। कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, कोटा आज तक।